जिलाधिकारी ने किया देवरिया पकड़ी मार का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। खबर है देवरिया से। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज अपराह्न देवरिया पकड़ी मार का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन में भेजा गया है, जिसकी शीघ्र स्वीकृत मिलने की संभावना है। तब तक मार्ग को आवागमन योग्य बनाने के संबंध में PWDU प्रांतीय खंड को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने रोड की अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अधिशांसी अभियंता PWD आरके सिंह ने जिलाधिकारी को बताया है कि मूल रूप से सड़क का निर्माण PMGSY योजना के अंतर्गत हुआ था और इसे वर्ष 2020 में PWD को हस्तांतरित किया गया है। बताते चलें कि जिलाधिकारी ने रोड की अत्यंत खराब दशा पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने अधिशांसी अभियंता प्रांतीय खंड से वर्ष 2020 से अब तक लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग पर किए गए कुल धन का विवरण गत 6 मार्च में रोड को मोटरेबल बनाने के लिए किए गए प्रयास, अब तक रोड के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए किए गए प्रयासों का विस्तृत विवरण मांगा है। उन्होंने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर रोड की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार लोगों को उत्तरदायित्व निर्धारित कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि देवरिया पकड़ी मार्ग की खराब दशा से लोगों को आवागमन में भारी असुविधा हो रही है, इसे दूर करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में देवरिया पकड़ी मार्ग के 14 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 44,30,00,000 रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है। परियोजना की स्वीकृति मिलते ही सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य पूर्ण कर आमजन को राहत पहुँचाई जाएगी। 24 न्यूज HD देवरिया से ब्यूरो चीफ पवन पांडे की एक खास रिपोर्ट। निर्माण विभाग की स्वामित्व की सड़क है जो पकड़ी जाने के लिए कतरारी मोड़ से, उसके विषय में जनप्रतिनिधियों का और सभी का मीडिया का भी बहुत इशू रहा है कि सब सड़क खराब है, 12 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। इसका निरीक्षण मेरा किया गया एक्सएन PWDW RK सिंह यादव के साथ में और अन्य अधिकारियों के साथ में। तो जो तथ्य इसमें दिखाई पड़ रहे हैं कि वो PMGSY से 2020 में बताते हैं कि पैचलेस ली गई, उसके बाद भी ये हालत है कि 2.5 साल में इतनी खराब कैसे हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2 की जो गड्ढा मुक्तिकरण अभियान था उसमें PWD विभाग के अधिकारियों ने आखिर कुछ काम किया है कि नहीं किया। नंबर 3 की यहाँ पे जो सड़क है इस पर 2.5 सालों में विभाग ने कोई पैसे खर्च किए हैं कि नहीं खर्च किए। और नंबर 4 बात ये कि अभी भी इनका ये कहना है कि हम इसकी परियोजना भेज रहे हैं तो अभी मोटरेबल हालत में नहीं है, जो कि शासन के निर्देश। तो लोक निर्माण विभाग के PWD या SE या चीफ इंजीनियर ने इसमें क्या देखा है? जनपद की एक प्रमुख सड़क है जिससे पब्लिक काफ़ी परेशान है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग तय करेंगे और प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से रिक्वेस्ट करेंगे जो डिपार्टमेंट के अधिकारी इसमें लापरवाही कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तय करें। और दूसरा, पब्लिक को रिलीफ के लिए जो सड़क के रिपेयर में जो कुछ भी विभाग के दायित्व है, PWD विभाग का प्रशासनिक निर्देश है, उसका वो निर्वहन करें।